इनके लबे रंगी की मिठावर थी के जिसने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इरफान अली शेख हैं। इनके अलावा भी काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया है। सवाल से मुझे मालूम हुआ कि एक्टर इरफान ख़ान की डेथ हो गई है। कोई घटना घटित होती है तो उसके ताल्लुक़ से सवालात आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बाद में मुझे मालूम चलता है कि ऐसा हो चुका है। पूछना ये चाहते हैं लोग कि ऐसे शख्स को ईसाले सवाब करना, दुआएं मग़फ़िरत करना कैसा है, और क्या रमज़ान में इंतकाल करने वाला जन्नती होता है अगरचे उसने कैसे भी आमाल किए हों। इसके बारे में मुख्तसर जवाब ये है कि इंडस्ट्री में यानी फ़िल्म इंडस्ट्री में अक्सर मुसलमान एक्टर्स जो नाम जिनके मुसलमान हैं वो जो है शिरक वग़ैरह और कुफ्रिया मामलों के अंदर जो है वो मुब्तला पाए जाते हैं। बज़ाहिर वो चाहे उनकी फ़िल्मों के ज़रिए हो या किसी शिरक के या कुफ्र के प्रोग्राम में हो, तो ये उस पर राज़ी भी होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। यहाँ तक कि ख़ुद प्रैक्टिकली भी शिरक हो या कुफ्र के प्रोग्राम में या इस तरीके के दूसरे मज़ाहिब के फेस्टिवल में हिस्सा भी लेते हैं। तो ज़ाहिर यह है कि कोई भी शख्स शिरक पर राज़ी रहकर मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह कोई कुफ्र पर राज़ी रहकर या कुफ्र को परफॉर्म कर कर, चाहे बतौर एक्टिंग हो चाहे हकीकी ज़िंदगी में हो, अगर वो कुफ्र या शिरक को परफॉर्म करेगा खुशी के साथ, लोगों को मैसेज भी इसके थ्रू देगा, तो ज़ाहिर यह है कि वो मुसलमान नहीं रहेगा। इसी तरह अभी जिस एक्टर के बारे में सवाल हुआ है, इनके बारे में एक कॉल मुझे मालूम चली कि इन्होंने शादी से पहले अपनी बीवी से ये कहा था कि अगर हमारे शादी में कोई रुकावट पेश आती है तुम्हारे घर की तरफ से यानी लड़की के घर की तरफ से, तो मैं अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये कि बीवी जो है वो मुस्लिम नहीं थी, तो इरफान ख़ान ने ये कहा कि मैं अपना मज़हब को तब्दील कर दूँगा निकाह के लिए। तो मालूम ये चला कि ये शख्स ने ये जुमला कि मैं इस्लाम छोड़ दूँगा, ये भी सराहत कुफ्र पर दलालत करता है। लिहाजा ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं समझा जा सकता। अब रहा ये कि मुमकिन है कि किसी ने मरते वक्त तौबा कर ली हो या ना की हो, तो इसका किस तरह से मालूम चलेगा। और फिर उस कुफ्रिया कॉल के सिवा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी, जैसे कुर्बानी के ताल्लुक़ से भी है, और इसके अलावा अपनी फ़िल्मों के थ्रू या दूसरे मामलों में आपने देखा होगा कि कुफ्र और शिरक के प्रोग्राम में ये लोग शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके नज़दीक मज़हब कोई यानी एक अलग चीज़ नहीं है, इंसानियत पहले है और शिरक और कुफ्र में ये फ़र्क नहीं करते। सामने वाले की खुशी को देखते हुए ही उस तरीके के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि कोई इस किस्म का बंदा हो, अगर उसका इंतकाल हो तो कैसे मालूम चले कि उसने तौबा की है या नहीं। तो उस वीडियो को आप देख लें। दानिश जहान के बारे में वीडियो थी, वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट दानिश जहान, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और आखिरी ऑडियो जो इंतकाल से पहले इरफान ख़ान की वो आई है मंजर आम पर, तो उसमें भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि अपनी फ़िल्म का, आने वाली फ़िल्म का प्रमोशन किया जा रहा है, जिससे ही मालूम चलता है कि अपने पिछले जुर्म पर कोई नदामत नहीं हो रही। तो इससे ज़ाहिर करीना यही है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये शख्स ईमान की हालत में गया हो, मगर यकीनी तौर से कुफ्र पर मरा हो यह कहना भी मुमकिन नहीं है। तो इसमें सूरत यह है, मेरी ज़ाती राय यह है कि ऐसे शख्स को कि जिसका कुफ्र वाज़े हो और तौबा वाज़ेह ना हो और तौबा के लिए कोई अलामत ना तो ज़ाहिरी तौर से नज़र आती हो और ना किसी सोर्स से तौबा का कोई अंदेशा नज़र आता हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को ईसाले सवाब करने से बचना चाहिए और ऐसे शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करनी चाहिए। इसमें बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि अगर आपको ईसाले सवाब करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी तमाम इबादत का या जिस मामले का आप ईसाले सवाब करना चाहते हैं वो तमाम मुसलमानों को कर दें, यानी अल्लाह तबारक व तआला से कहें कि जो मैंने ये नमाज़ पढ़ी या रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी रहमत से इस पे मिलने वाला सवाब तमाम मुसलमानों को मैं इसाल करता हूँ या करती हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से वो तमाम इस मुसलमानों के नामाए अमाल में उस सवाब को पहुँचा देगा। तो अगर ये शख्स ईमान की हालत में गया होगा तो इसके नामाए अमाल में सवाब पहुँच जाएगा, अगर नहीं गया होगा तो सवाब नहीं जाएगा। तो एहतियात सबसे बेहतर ज़रिया है कि इसमें एहतियात करनी चाहिए, यानी इरफान ख़ान को इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत करने से बचना चाहिए और इस तरह से इसाले सवाब करना चाहिए कि तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब करें बग़ैर किसी का नाम लिए। ये सबसे बेहतर ज़रिया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि कोई शख्स रमज़ान में मरता है तो उसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो उन लोगों से अर्ज़ ये है कि वो मामला जो है वो ऐसे मुसलमान के लिए है कि जिसका ईमान वाला होना ज़ाहिर हो, ना कि उसके कुफ्र और ईमान का कोई मालूम ही ना हो। मिसाल के तौर पे अभी कोई कादियानी है कि जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़ता है, नमाज़ भी, रोज़ा भी, सारे मामलात को अंजाम देता है, अगर उस शख्स का इंतकाल रमज़ान में हो जाए तो क्या वो फ़कत ये कि मुसलमान ख़ुद को कहने की बिना पर जन्नत में चला जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा। उसके अज़ाब में ज़र्रा बराबर कमी नहीं होगी, चाहे वो रमज़ान में मरे या गैर रमज़ान में। लिहाजा ये इतलाक़ करना कि किसी भी ऐसे यानी मशकूक शख्स को जिसके ईमान का मालूम ना हो, ये कहना कि अगर वो रमज़ान में मर जाए तो जन्नत में जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जन्नत में जाने का ताल्लुक़ या फिर हिसाब किताब ना होने का ताल्लुक़ मुसलमान के साथ ख़ास है, किसी ऐसे के साथ नहीं है जिसके ईमान का कोई पता ना हो या जो ईमान और अक़ाइद के बारे में कोई ना ख़बर रखता हो बल्कि बेजारी का इजहार करता हो। तो अगर कोई ऐसा कादियानी या ऐसा बदअक़ीदा या ऐसा वहाबी के जिसके अक़ीदे कुफ्रिया हों, वो चाहे रमज़ान में मरे या गैर रमज़ान में, उसके लिए कोई राहत नहीं है। तो लोगों का ये कहना कि अगर कोई ऐसा एक्टर जो कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो अगर वो रमज़ान में मरे तो राहत होगी, बेकार और कम इल्मी की बातें हैं। इससे रमज़ान में इंतकाल में उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। पत्थर में